Hello, good morning dear children. Today I am going to explain you lesson number 9, Kajaki. बच्चों इस पाठ में कजाकी के बारे में लेखक ने हमें बताया है, उसके चरित्र का चित्रण भी किया है. वैसे कजाकी शब्द का अर्थ होता है लूट मार करने वाला या डकैत करने वाला, लेकिन इस पाठ में कजाकी जो व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति है. लेखक अब उसके बारे में कहते हैं कि मेरी बाल स्मृतियों में कजाकी एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता. 40 साल गुजरने पर भी कजाकी की मूर्ति अभी तक मेरे आँखों के सामने नाच रही है. यहाँ पर लेखक 40 साल पहले जो उनकी 40 साल की उम्र है उसमें कजाकी का जो की जो स्मृतियाँ हैं वो अभी तक उनके ध्यान से गई नहीं है. मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ में था. कजाकी भी वहीं काम करता था. वह रोज़ शाम को डाक का थैला मीन्स जो पोस्टमैन होते हैं जो बैग लेकर चलते हैं उसे डाक का थैला लेकर आता और सवेरे डाक लेकर चला जाता. डाक पोस्ट ऑफिस. वह बड़ा ही हंसमुख साहसी और जिंदा दिल था. मैं दिन भर उसकी राह देखा करता था. ज्यों ही 4 बजते में व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता. थोड़ी देर में कजाकी कंधे पर थैला रखे झुनझुना बजाता. झुनझुना जो साइकिल के की जो घंटी होती है उसके साथ वो लगाकर उसे बजाता था. दूर से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता. कजाकी डाक खाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन उसे आराम करने की आदत न थी. थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता. वह हमारे साथ खेलता, गाने सुनाता, कभी किससे कहानियाँ भी सुनाता. जब कजाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ता तो ऐसा लगता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ. एक दिन कजाकी सूर्यास्त का अर्थ होता है जब सूर्य का अस्त होता है, जब सूर्य डूबने वाले रहते हैं, तब दिखाई न दिया. मैं आंखें फाड़कर सड़क पर देखता रहा. सहसा झुनझुन की आवाज़ कानों में आई. हाँ, वह कजाकी ही था. उसके पास आते ही मैं उसे मारने लगा. कजाकी ने हंसकर कहा, मैं एक चीज़ लाया हूँ, मारोगे तो न दूंगा. मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखाओ. उसने कोई चीज़ दिखाई जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपटाए था. लंबा मुंह था, 2 आंखें चमक रही थी. मैंने उसे ले लिया. वह हिरन का बच्चा था. वह बोला, भैया जी, आज जब जंगल से निकल रहा था तब हिरन के इस बच्चे को पेड़ के नीचे अकेले पड़े पाया. दिन भर इसे गोद में लिए इसकी माँ को ढूंढता रहा, पर वह न मिली. क्या करता, इसे ले आया. बस इसी सब में देरी हो गई. कजाकी जो था वो बहुत दयावान था. हम दोनों डाक खाने में पहुँचे. बाबूजी बिगड़ कर बोले, अब लाया है थैला, अब क्या करूँ इसका. डाक तो चली गई, बता कहाँ लगाई इतनी देर. कजाकी चुप खड़ा रहा. बाबूजी का गुस्सा बढ़ा. वे जोर से चीखे, थैला रख और चला जा यहाँ से. सरकार अब कभी देर ना होगी, कजाकी ने रुआ से स्वर में कहा. रुआ से मतलब रोते हुए, रोने की आवाज़ आए उस तरह से उसने कहा. जा अब मुँह न दिखाना, बाबूजी ने कहा. बाबूजी जो बहुत ही जो उसके ऊपर के जो सर थे वो बहुत ही उस पर नाराज हो गए और उसे नौकरी से निकाल दिया. बेचारा कजाकी देखते ही देखते नौकरी से निकाल दिया गया. मेरा मन चाहा कि मेरे पास सोने की लंका होती तो मैं कजाकी को दे देता. अब माँ का ही सहारा था. माँ ही पिताजी के क्रोध को शांत करना जानती थी. यहाँ पर जो लेखक है वो कहते हैं कि मेरे पिताजी की का जो क्रोध था वह सिर्फ माँ ही उसे शांत कर सकती थी और मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी. कजाकी धीरे धीरे चला, मैं भी उसके पीछे पीछे चला. घर के बाहर पहुंचकर वह बोला, भैया
अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, कहा सुना माफ कर देना। मैं रोता रोता घर आया और बोला माँ कजाकी। अम्मा ने समझा कि कजाकी ने मारा है। वह बोली अच्छा आने दे तेरे बाबूजी को, आज ही उसे निकलवाती हूँ। नहीं अम्मा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया, कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। यह बहुत बुरा हुआ। अरे यह हिरन का बच्चा कहाँ से मिला? अम्मा ने पूछा। मैंने हिरन के बच्चे और कजाकी को निकालने का सारा किस्सा कह सुनाया। जब तक अम्मा उसे बुलाती कजाकी जा चुका था। देर रात तक मैं कजाकी के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन मैं हिरन की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। हिरन का नाम रखा गया मुन्नू। सब साथियों से हिरन का परिचय करवाया गया। शाम होते ही मैं कजाकी की बाट का अर्थ होता है इंतजार करने लगा, बाट जोने लगा। एकाएक मुझे ख्याल आया कजाकी भूखा होगा। चुपके से घर आकर एक कटोरी आटा निकाला, आटा हाथ में लिया, पीछे आटे की कतार बनाते बाहर भागा। सामने से कजाकी आता दिखाई दिया। वह बोला भैया यह क्या है? तुम भूखे होगे, तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने कहा क्या सूखा आटा खाऊंगा? कजाकी हंसा। तभी मैं दौड़कर भीतर गया और मैंने अपने गुल्लक लाकर, गुल्लक मतलब जो जिसमें हम पैसे बचाकर रखते हैं, मनी बैंक लाकर कजाकी के हाथ में रख दी। कजाकी बोला भैया इसे रख आओ, भला दो हाथों के होते कोई भूखा मर सकता है? कजाकी ने कहा नहीं, मेरे हाथ अभी हाथ पैर अच्छे हैं, मैं काम करके खा सकता हूँ। अगले कई दिनों तक कजाकी न आया। एक दिन मैं खेल रहा था, सहसा का अर्थ होता है अचानक, मुझे कजाकी दिखा। मैं उसकी तरफ भागा पर वह गायब हो गया। घर आकर मैंने अम्मा को यह बात बताई। दिन बीतते गए, दोपहर का समय था, बाबूजी खाना खा रहे थे। एक औरत घूंघट निकाले आई। वह अम्मा को हाथ की पोटली देते हुए बोली बहू जी कजाकी ने भैया जी के लिए कमल के गट्टे भिजवाए हैं, जिस दिन से गए हैं रात दिन भैया जी की रट लगाए हैं, अब तो बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े भी भैया जी बड़बड़ा रहे हैं। कई दिन पहले तक तो गली से छिपकर भैया जी को देखते थे। मैं पोटली से गट्टे निकालकर खाने लगा। यहाँ पर कमल के गट्टे अर्थात जो जिसे हम मकाई डोडा कहते हैं, आप लोग गुजराती में जिसे मकाई डोडा कहते हो उसे कमल गट्टे निकाल कर खाने लगा। तभी बाबूजी हाथ मुंह पोंछते हुए बाहर आए और बोले कल से उसे काम पर भेज देना, उसकी बीमारी की यही दवा है। बाबूजी समझ गए कि कजाकी जो है वह मेरे बच्चे से इतना मिलजुल गया है कि अगर मैं उसे नहीं बुलाऊंगा तो वो शायद बीमारी से उसकी मौत हो जाए। यह सुनते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मुन्नू भी छलांगे लगाने लगा। मुन्नू यहाँ पर हिरन का बच्चा। अगले दिन मैं उठा तो देखा कि कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। बच्चों इस कहानी में कजाकी और लेखक के प्रति जो स्नेह है उसके बारे में दर्शाया गया है। और आपको इस पाठ की जो मीनिंग है, शब्दार्थ और मुहावरे, शब्दार्थ और मुहावरे आपकी क्लास नोटबुक में 2 टाइम्स लिखना है।